नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष ओली। अगर आप उत्तराखंड के चार धामों में से सिर्फ बद्रीनाथ जाने की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा संशोधन अगर आप कर रहे हैं, यानी कि 3-4 दिन का टाइम और बढ़ा दें, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज तैयार हो जाता है, जिसमें कि आप फूलों की घाटी भी देख सकते हैं और सबसे ऊंचाई पर बना हुआ जो गुरुद्वारा है, यानी कि हेमकुंड साहिब है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। इन तीनों जगह, जिसमें कि बद्रीनाथ हो गया, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब को लेकर के एक विशेष पैकेज तैयार हो जाता है। गढ़वाल मंडल विकास निगम उसके लिए एक अलग से पूरा पैकेज भी चलाता है, जिसमें कि आप एक मुश्त पैसा जमा करके उस पूरी यात्रा को कर सकते हैं। आप चाहें तो पब्लिक कन्वेंस से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो साथ में इन दोनों जगहों को देखा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये दोबारा उन जगहों को मैं जाने में, यानी कि फूलों की घाटी में दोबारा अगर आप जाना चाहें या फिर हेमकुंड साहिब में दोबारा जाना चाहें, तो फिर आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और समय भी। तो आइए जानते हैं आज के इस विशेष पैकेज के बारे में। सबसे पहले तो इसे समय के हिसाब से समझिए। मान लीजिए अगर आप सिर्फ बद्रीनाथ की यात्रा करना चाह रहे हैं तो हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने में, वहां दर्शन करने में और फिर वापस हरिद्वार वापस आने में आपको कम से कम 3-4 दिन का समय लग जाता है। और अगर आप इसमें सिर्फ 2 दिन और जोड़ देंगे या फिर 3 दिन और मैक्सिमम 3 दिन मान लीजिए, अगर आप इसको 7 दिन का एक प्रोग्राम बना लेते हैं तो आप इन तीनों जगहों में जा सकते हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप इसको समझें तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 312 किलोमीटर की है, और अगर आप फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं तो उसी रूट पर आप जब बढ़ते हैं 287 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक जगह आती है गोविंद घाट, वहाँ से इन दोनों जगह के लिए रास्ता कटता है, फूलों की घाटी के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए। यानी अगर आप एक बार सिर्फ बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से आने जाने में लगभग 624 किलोमीटर की जर्नी आप करते हैं, और अगर आप दूसरी बार, अगर इस बार आप फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब नहीं गए और फिर आपका कभी दोबारा प्लान बनता है तो फिर उस डिस्टेंस को आप, क्योंकि गोविंद घाट तक तो आपने तब भी जाना ही पड़ेगा, तो लगभग 574 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको दोबारा कवर करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से अगर आप पहाड़ के लिहाज से देखें तो 574 किलोमीटर की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा समय भी इसमें लग जाएगा, आने जाने में पैसा भी खर्च होगा, हर चीज़ का खर्चा है, और इसमें बस सिर्फ आपको मैनेज करने हैं अपने 2-4 दिन जिससे कि आप इन पूरी जगहों में जा सकते हैं। तो आज मैं आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो पैकेज है इसमें इन तीनों जगह का, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम 27 सीट की एक बस अवेलेबल कराता है 2x2 की। अगर आपको इस पैकेज के तहत यात्रा करनी है तो हर एक सीट के हिसाब से पेमेंट करना होगा। यात्रा ऋषिकेश से शुरू होगी। ऋषिकेश से पहले दिन कौड़ियाला, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए आप पहुंचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ में पहले दिन का नाइट स्टे होगा। दूसरे दिन फिर आप जोशीमठ से आगे बढ़ेंगे गोविंद घाट के लिए, और गोविंद घाट के बाद फिर पैदल यात्रा शुरू होती है। उस दिन का नाइट स्टे है घांगरिया में। लगभग गोविंद घाट से घांगरिया की जो दूरी है 13 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आपने पैदल तय करनी पड़ेगी या फिर आप उसके लिए घोड़े भी ले सकते हैं। घोड़े वहीं पर गोविंद घाट में आसानी से मिल जाते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे दिन फिर जो यात्रा है आपकी फूलों की घाटी के लिए है। घांगरिया से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद फूलों की घाटी शुरू होती है। आप उस दिन फिर फूलों की घाटी घूम करके वापस लौटेंगे घांगरिया के लिए। तीसरे दिन का भी नाइट स्टे घांगरिया में है। चौथे दिन फिर आप घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए निकलेंगे। हेमकुंड साहिब की डिस्टेंस वहाँ से 6 किलोमीटर की है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो लगभग पूरा दिन उसी में लग जाता है। आप फिर हेमकुंड साहिब में पहुँच कर के दर्शन करेंगे, और साथ ही वहाँ पर जो लोकपाल का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर, उसके भी वहाँ पर आप दर्शन करेंगे, और वापसी फिर आपकी होगी घांगरिया। चौथे दिन का भी नाइट स्टे घांगरिया में। पांचवें दिन फिर आपकी वापसी होगी घांगरिया से गोविंद घाट के लिए, और फिर उसी दिन आप वहाँ से बस से पहुँचेंगे बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में पहुँच करके आप उस दिन की जो शाम की जो पूजा अर्चना है उसमें शामिल हो सकते हैं। छठा दिन रखा गया है बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। आप बद्रीनाथ, उसके आसपास के मंदिरों के दर्शन करेंगे, साथ ही माणा गांव देखेंगे, और जब वापसी करेंगे तो आप आएंगे जोशीमठ में। जोशीमठ के नज़दीक ही है खूबसूरत हिल स्टेशन औली। जोशीमठ से यहाँ की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे आप केबल कार से भी तय कर सकते हैं, लेकिन उसका किराया अलग से आपने खुद देना होगा, ये पैकेज का हिस्सा नहीं है। और सातवें दिन आपकी जोशीमठ से वापसी हो जाएगी हरिद्वार के लिए।
गढ़वाल मंडल विकास निगम इस पैकेज के लिए चार्ज करता है 19,900 रुपया एक आदमी का, यानी कि एक सीट के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19,900 रुपया एक व्यक्ति को देना है। इसमें खाना शामिल नहीं है, आना जाना और रहने की व्यवस्था इसमें शामिल है। इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक थोड़ा सा कंसेशन भी है, 18,550 रुपये का टिकट है उनके लिए। ये जो पूरा अमाउंट है ये टैक्स को मिला करके है, इसके अलावा आपने और कोई अमाउंट फिर नहीं देना है। खाने की व्यवस्था आपने खुद करनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो इस पैकेज को भी बुक करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पब्लिक कन्वेयर से भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गोविंद घाट के लिए सीधी बस मिल जाती हैं, जो भी बसें बद्रीनाथ के लिए जाएंगी तो उन्होंने गोविंद घाट से होते हुए ही जाना है, तो आपको हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से सीधी बस मिलेगी गोविंद घाट के लिए, और फिर वहाँ से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं जो कि घांघरिया होते हुए फिर फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब तक के लिए होगी। और वापसी में जब आप आएंगे गोविंद घाट तो गोविंद घाट से आपको सीधी बस मिल जाएगी, फिर गोविंद घाट से आपकी बद्रीनाथ की यात्रा, और फिर बद्रीनाथ से हरिद्वार या फिर इसके जहां से भी आपने अपनी यात्रा शुरू की है वहां आप बेहद आसानी से आ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को लेकर के। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे कैसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर।